यूके नी गुड मॉर्निंग लंदन लोग ना इतने में भाग जाएंगे गुड मॉर्निंग सुनते सुनते ऐसी बेसुरी आवाज में सच्ची में मेरी इतनी बेसुरी आवाज है यार शायद आप कमेंट करके बताना कि इतनी बेसुरी है आज देखा इतने कमेंट है हक बनिएगा ऋचा जी आप प्लीज ऐसे प्यारी आवाज में मत बोला करो कान फट जाते हैं ओके गाइस सौरभ कर रहा है कुछ तो ऑफिस का काम ऑल्दो इट्स हॉलीडे बट फिर भी उसको कुछ काम था वो फिनिश कर रहा है उसको वो मॉर्निंग से लगा हुआ है क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें शूट करनी है आप ये देख रहे हो हमारी ये सारे कोरियर्स जो हैं और ये बड़ा वाला जो पार्सल आया है इसको हम आज ओपन करने वाले हैं एंड आज हम आपको बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं एक बार इधर से खोलो जरा उधर से हमेशा मैं उधर से खोलती हूँ ना हाँ चलो भाई तो मौसम है बारिश वाला लेकिन बारिश के साथ साथ मैं सूर्य देवता को भी देख सकती हूँ सूर्य देवता जी भी हैं मेरे को ना कई बार सच्ची में डर भी लगता है कि कहीं हाथ से छूटा और नीचे गिरा होने यही वाला किसी दिन तो यहाँ से गाइस धूप आती है ना बहुत बढ़िया वाली तो इधर काम करने में मजा आता है ना ये बंदा कभी भी अपनी मेल्स और अपने मैसेजेस उन्हें बोलता है मत पढ़ मत पढ़ मत दिखा भाई क्या पता किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया हो अच्छा मेल किया हो तो मैं वो कोई दिखा ले फिर पंगा पड़ जाएगा तो गर्लफ्रेंड की जगह बॉयफ्रेंड का तुम्हारे आया हो ऐसी चीजों में नहीं जाते नहीं हो भी सकता है यू नेवर नो अच्छा सुनो मैं इसलिए आई हूँ मम्मा भी नहा चुके हैं मैं भी नहा चुकी हैं और प्लीज नहा लो जाके ओके उठो पहले बाहर जाओ मैं लॉक करता हूँ उठो गुड मॉर्निंग मम्मा जी जय माता दी जय माता दी चलो जी आज बना है पोहा खाली जो हमारी वर्कआउट की बेल्ट है ये आज मैं वॉक करते हुए भी लगाती हूँ इसको अपने स्टमक के अराउंड रैप करो तो काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है यहाँ पे स्वैप करनी होती है तो इस चीज पे काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है मैंने पहले भी एक दो बंदों को इसका लिंक भेजा था ये अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है आप आराम से ले सकते हो मैंने तो एक दो मंगा के रखी हुई है वॉकिंग वार्डरोब पर सजावट जैकेट सजावट मैं देख रही हूँ कि कौन सा लेके जाना है समझ नहीं आ रही क्यों सा खड़ू ये लो अब चूज करने में भी ऑप्शन आ रही है प्रॉब्लम आ रही है कि रेड ड्रेस के साथ ये ले लेती ये रेड वाला ये पता है मुझे मेरे किसी पैकिंग वाले सामान में कहीं चला गया था और मुझे पता ही नहीं कल जाके मुझे मिला है जब मैं कुछ अनपैक कर रही थी तो अभी हम हो चुके हैं रेडी वापस शॉपिंग के लिए आप लोगों को पता है घर की शॉपिंग चल रही है समझ नहीं आता जा रहा यार शॉपिंग करो सामान पसंद करो घर लेके आओ इंस्टॉल करो फिर से जाओ शॉपिंग करने तो उससे पहले गाइस हम लोगों को आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम यूके टू इंडिया मार्केट में ना बहुत सारी एप्लीकेशंस है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है बट आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए हम आप लोगों को क्या रेफर करते हैं वो सौरभ आपसे शेयर करूंगा मैं आज के दिन में यूज कर रहा हूँ ना वो है बेंस ऐप बेस्ट फीचर पता क्या है कि इसका फ्लैट 3 pound रेट है चाहे आप 5 pound सेंड करो चाहे 50,000 pound सेंड करो फ्लैट 3 pound रेट एंड ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि आप जितना मैक्सिमम अमाउंट सेंड करोगे उतना ही आपको जो है कि फायदा होगा उसमें आपको सिर्फ 3 pound का चार्ज ही लगेगा साथ ही जो सबसे अच्छी बात है अभी इनका इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है जिसमें आप सौरभ का कोड यूज कर सकते हो SAURAV जिसमें आपको 3 transfer फ्री मिलेंगे हाँ तो बेनिफिट है यार 3 बार आप मैक्सिमम अमाउंट सेंड कर सकती हो विदाउट एनी ट्रांसफर फीस जो एक्सचेंज रेट है ना वो भी गूगल का लाइव रेट है तो कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस भी नहीं है सुपुत्र और माता का प्यार प्योर हिंदी बोलते हैं ना वहां से वर्ड सीख रही हूँ घोड़े को क्या बोला था उन्होंने अश्वनी एक और बोला था कुछ तो हेलो येलो 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 कुछ छोटा नहीं मिला मैंने कहा जल्दी खुलेगा ना इससे भी बड़ा बिल्ली आती है और तो है ही नहीं बड़ा इससे बड़ा तो है ही नहीं तो आ चुका है हमारा मार्बल वाला टेबल ये मुझे बड़ा ही ना
शौक था लेने का मुझे कब से, और ये अभी हम इसको हम सेट करेंगे, इसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेंगे, सामान तो दिया ही हम लोग जा रहे हैं पार्क में। जब से थोड़ा मौसम ठीक हुआ है ना, सबको पार्क जाने का शौक चढ़ गया है। मम्मी का तो फेवरेट बन गया पार्क। कल भी गए हैं, कल भी गए हैं, मम्मी तो अकेले पहुंच जाते हैं वहाँ। और ये रिचा का ओटीडी तो पहले देखिए, पहले बता पार्क में जा रही है कि मॉडलिंग करने जा रही है वहाँ पर? पार्क में कौन गॉगल लगा के एकदम मेकअप करके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हाँ। थोड़ा रेडी होना पड़ता है ना। पहले एक चीज बता, ये वाली मेरी जैकेट क्यों डाली हुई है? जैकेट नहीं है, कमीज है। मोटी शर्ट है, हाँ मेरी शर्ट है, मुझे पसंद आई, मैंने खरीदी मैंने है, ठीक है ना, पैन तूने लिया है, ये मेरी प्रॉपर फिटिंग साइज है, और नीचे देखो कितनी लूज थी, हाँ हाँ हाँ, आप तो ये बोलोगे ही, तुमने बाहर हजारा के शोरूम में बोला मुझे नहीं खरीदनी, तो मैंने आई पिक्ड इट अप, आई नेवर टोल्ड कि आई विल नॉट पिक इट अप। ये सब दिख रहा है मुझे, ये मतलब खरीद लिया, अब एक दिन ये डालेगी, एक दिन मैं डाला करूंगा। तुम तो कभी नहीं जानने वाले हो कि तुम्हें तुम बोलते हो ये कलरफुल है, मैं नहीं डालूंगा। अभी तो मैंने कितना कलरफुल डाला हुआ है, देखो ये बोल रहा है ये कलरफुल है, क्या कलरफुल है, ब्लैक जीन, ब्लैक जैकेट, एक भी अलग कलर नहीं दिख रहा सिवाय ब्लू। इसको कलरफुल कौन बोलता है? मैं बस का सनर व्हाइट कलर है मिस्टर सनर, इन लोगों को धोखा मत दो, जैकेट ब्लैक एंड व्हाइट, धोखा मत दो। दो आ चुके हैं पार्क में भाई, कितनी बढ़िया धूप है सौरभ, आज तो मजे ही आ गए, मजे नजारे आ गए, नजारे नजारे। हमारे पार्क की सबसे अच्छी हाईलाइट है ये छोटी सी हमारी नदी कनाल। किसी ने ये देख ट्रॉली फेंक हुई यहाँ पर, हो एक्स्ट्रा की लग रही है, चलो जिसने अभी करेंगे कुछ तो इसका। तो गाइस अभी पार्क आ गया है, हम लोग करने वाले हैं एक शूट यहाँ पे बढ़िया वाला, आप लोगों के लिए एक बढ़िया वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग। काफी बच्चे भी आए हुए, लोग भी देख रहे हैं, मम्मा तो ऑलरेडी पहुंच भी गए हैं, तो वॉक करने निकल भी गए, वो उनका वो हमेशा इसी पार्क में आते हैं, घर से 5 मिनट दूर है, बेस्ट चीज है हमारे घर की पार्क है, इसके अंदर कॉफी शॉप मिल जाएगी आपको, काफी बड़ा पार्क है, यहाँ खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, मम्मा बता रहे थे उधर जिम के इक्विपमेंट्स भी हैं, जिम भी है, टेनिस कोर्ट भी है, यहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हैं लोग, हाँ। बहुत चीजें करते हैं, और वो रही हमारी बिल्डिंग लंबी वाली, ये लंबी वाली, तो हम वहां से वॉक करते करते आए, यहाँ पे पूरा खेलने वाला बना हुआ है, और अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे जिम के भी काफी सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, सौरभ तो आज ही सारे एक्सरसाइज कर लेगा, सौरभ आज ही एक्सरसाइज कर लेनी सारी, एक मिनट वो वाला करके दिखा रहा जो जोर लगा लगा के कर रहे थे, व्हाट वाज दैट, ये देखो गाइस ऐसी एक्सरसाइज, तुमको तुम खेल सकते हो सौरभ, एक्सरसाइज तो मजे ना होगी, ये देखो इसको बस तोड़ना देना उनकी मुश्किल। मम्मा इज हियर, मम्मा कैसी लग रही है समर्स यहाँ की? बड़ी अच्छी है। मम्मा जब भी वीडियो पे आते ना फटाफट जप्पी डाले, मौसम चेंज हो गया ना थोड़ा, थोड़ी रौनक भी है, हाफ वीडियो शूट हो गई हमारी, हाफ रहेगी मम्मा, हम देखो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं मम्मा, बट ऑनलाइन लाया तो लगता काम कर, सनसेट हो चुका है, काफी अच्छा हमारा शूट रहा आज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दूर, सोच रहे हैं कहाँ जाए, वो अभी हम डिसाइड करेंगे रास्ते में। आप खाने खाना है, आज नहीं खाया ना तो रात को खाना नहीं मिलेगा। मैंने और मम्मी ने आई थिंक पिछली बार एक बॉम्बे स्पाइस में बड़ा पाव ट्राई किया था, हमने ना सिर्फ हाफ हाफ लिया था, अभी हमारे मन में चूल बच रही है कि एक एक दो खा के आए, मतलब आज खाने के बाद फिर कभी नहीं खाना, इतने खा लेने पहले आई है कचौरी, ऑलरेडी समोसा तो खा ही चुके हैं, चाय बढ़िया यार, चाय चेयर्स करो, चाय में चेयर्स चेयर्स हो रहा खाने, हाँ मिठा ठीक है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे वड़ा पाव का, हम आए हैं श्री साईं वड़ा पाव, है लो जी तृप्ति मिल गई, तृप्ति वड़ा पाव, वड़ा पाव खा के अब शांति मिले। हाँ जी जी अम्मा जी, ओके ओके ओके, बड़ा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है जी, चलो जी, जो मसाले वाली चीजें खाई है ना हमने, चीटे बन गया पूरा, आ चुके हैं समोसा भाई, एक एक करके मंगा लो, सीधा ही मंगाओ, दो मम्मा दे दो, मम्मा जी लो, लो मैं नहीं खाना, मेरा पेट हो गया, आई एम डन, आधा तो चलो खाओ, आधा खाओ, सब खाया लगता आपने, ओवर ईटिंग हो गया, चला नहीं जा रहा, कैसे चल रहा है, ज़ॉम्बी की तरह चल रहे हो, ये ना पंजाबी समोसा जब मिल जाते हैं ना तो अंदर की पंजाबियत निकलती है, क्योंकि वो घर की वजह, जैसे घर में मिलते थे पंजाब में, पूरे गर्मा गर्म समोसे निकलते हुए, लेकिन गाइस हम लोग ना ये दुकान जरूर रेफर करेंगे, क्योंकि इनके समोसों में बिल्कुल तेल भी नहीं था, ऐसे लग रहे थे बिल्कुल बिना तेल के समोसे, बढ़िया जो भी खाया ना मतलब काफी अच्छा और हाइजीनिक लग रहा था, हाँ
श्री कौन से साई वड़ा पाव गए थे ना हम लोग, किंग्सबरी में शॉप है, काफी मजा आया। आते ही सौरभ जुट गया कारपेंट्री का काम करने। ये लो जी। रख तो लो, कितने देर में बन जाएगा कारपेंटर? अच्छा समझ आ रहा कैसे बनाना। फाइनली हमारा मार्बल टेबल रेडी हो चुका है। ये एक्चुअली टू सेट ऑफ टेबल्स है जो हमने लिया था, एंड हम लोगों को थोड़ा गोल्डन टच चाहिए था बिकॉज ऑफ हमारा जो अभी पर्दे लगने वाले हैं वो गोल्डन स्टाइल के हैं। तो जब वो पूरा रूम क्रिएट हो जाएगा ना यार, दिस रूम विल बी अमेजिंग। हाँ तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हो सौरभ? Amazon से बाकी आइटम्स ऑर्डर कर तो गाइस आप लोगों को बोलती है बाय और आपको मिलती है हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग काफी प्रोडक्टिव भी था, हमने काफी एक वीडियो भी शूट की, एक रील भी शूट की, एंड टेबल भी पूरा सेट किया, छोटे छोटे काम निपटाए। टाइम टू से बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड, और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, बाय गुड नाइट।